जलते रहे। Guys, I just want to tell you all कि there is nothing wrong in sharing your side of the story to your audience or anyone or your friends. It's okay to share. कोई बड़ी बात नहीं है। लोग क्या है, लोग तो frustrated रहते ही है। करके अपने काम से काम रखो तो बोलेंगे attitude है। अपने साइड की स्टोरी शेयर करो तो बोलेंगे सिंपति है, सिंपति के लिए व्यूज चाहिए। आगे तो ऐसे दिन आएंगे बोलेंगे तुम सांस ज़्यादा ले रहे हो, मेरा ऑक्सीजन तुम ले रहे हो। ये बहुत गलत बात है, तुम सांस लेना भी बंद कर दो। ज़िंदगी में कुछ भी करते रहोगे लोग फ्रस्ट्रेटेड होने ही वाले हैं, इसीलिए खुशी से अपने फॉलोअर्स ऑडियंस से जो बात करनी है करो। कल किसी ने मुझसे पूछा, मैंने बोला ये चल रहा है ज़िंदगी में, ऑनेस्टली बताया, कोई छुपाने वाली बात नहीं है और ना मुझे कोई शर्म है ये शेयर करने में। जिसको लगता है ये वीकनेस है, जिसको लगता है ये इमोशनल है, ये बहाना है, लगे तो लगे। मेरे ऑडियंस, मेरे फॉलोअर्स समझ गए एंड आई एम रियली हैप्पी। वो भी पुराने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं जो 2014 से मेरे को फॉलो करते हैं, उनको ये बात अच्छे से मालूम है कि स्टार्ट ऑफ द डे से आई हैव जस्ट बीन थैंकिंग माई पीपल, आई हैव जस्ट बीन थैंकफुल टू देम एंड आई ऑल्सो शेयर माई साइड ऑफ द स्टोरी। जो करियर बन रहा था वो भी सिंपति पे बनता, आज जो करियर बन रहा है वो भी सिंपति पे बनता, लेकिन ऐसा नहीं है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी पॉजिटिव मैसेजेस किए, आई रियली अप्रिशिएट इट एंड उससे मुझे बेटर फील हो। चलो भाई हो गया, बहुत सेंटिमेंटी हो गया, बहुत सेंटिमेंटी बातें हो गई, बस अभी आंसू मैंने अंदर डाले। अभी क्या करूँ मैं, लारा किधर है, लारा को टॉर्चर करता हूँ, है ही नहीं कोई घर पे, मुस्की भी नहीं है, मम्मी भी बिजी है, लारा को पकड़ता हूँ।